हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो इंग्लिश लिटरेचर का ये प्रैक्टिस पेपर 4 है एंड वी आर डूइंग हियर प्रिपरेशन फॉर जीएसई लेक्चरर एग्जाम। एंड फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड मोर वीडियोस ऑन राइटर्स एंड पोइट्स। इफ़ यू हैवेंट वॉच दोस, सो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आपको राइटर्स मिल जाएंगे। जीएसई लेक्चर एग्जाम के सिलेबस में जो भी राइटर्स हैं, मैंने उन पर भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको उसमें मैंने टिक आउट किया हुआ है। सो आपने नहीं वॉच किया है और वहाँ वॉच कर लीजिए, और वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वर्चू रिवॉर्डेड इज द सब टाइटल ऑफ, सो आंसर इज पमेला। वर्चू रिवॉर्डेड जो है वो किस नॉवल का सब टाइटल है? तो फ्रेंड्स, ये पमेला नॉवल का सब टाइटल है। पमेला इज अ नॉवल बाय रिचर्डसन। रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया एपिस्टलरी फॉर्म का ये नॉवल है पमेला, जिसका कि सबटाइटल वर्चू रिवॉर्डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट इंट्रोड्यूस्ड इन द पटारकन सोनेट। तो वैट ने पटारकन सोनेट में इंट्रोड्यूस कराया कपलेट एंडिंग को। सो कपलेट एंडिंग को इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय पटारकन सोनेट में वैट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। ब्लैंक वर्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सो द आंसर इज, और एज वेल एज फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये प्रैक्टिस पेपर एडेड जूनियर स्कूल कई भी जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इवन मैं सेपरेट वीडियोज़ उसके लिए भी बनाऊँगी और आपको डेली ही वीडियोस दूंगी उसके लिए भी। बट ये आप इनको भी वॉच कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसमें सिलेबस में है, जूनियर एडेड एग्ज़ाम का जो होगा एग्ज़ाम आपका 18 अप्रैल को, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आनी है। तो ये सारी ही चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं। तो हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश पोइट्री, इसी टाइप के सब क्वेश्चन आने होंगे उस एग्ज़ाम में भी। तो किसने इंट्रोड्यूस कराया ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश पोइट्री में? सो आंसर इज अर्ल ऑफ सरे इन अबाउट 1540। अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस कराया ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले इंग्लिश पोइट्री में। ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय अर्ल ऑफ सरे को जाता है, और वो समय था लगभग 1540 व्हेन फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। सो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला क्या है? तो एक ही सोनेट सीक्वेंस है। आंसर इज अ सोनेट सीक्वेंस बाय सर फिलिप सिडनी। सिडनी का एक सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिजाबेथियन एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री कंटेन्स पोएम्स ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। सो आंसर इज द फोनिक्स नेस्ट 1593। नेक्स्ट, द स्पेनिश ट्रेजेडी केम आउट इन 1589 इज़ अ वर्क ऑफ। स्पेनिश ट्रेजडी बहुत ही फेमस वर्क है ये, और 1589 में ये आया था। किसका वर्क है? थॉमस किड का। एंड थॉमस किड इज़ वन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है। फ्रेंड्स, मैंने यूनिवर्सिटी विट्स पर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, इंग्लिश लिटरेचर वाले पोर्शन में उसको देख सकते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के वीडियो को, और उसमें सभी यूनिवर्सिटी वेट्स को मैंने कवर किया हुआ है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को कवर किया हुआ है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। फ्रेंड्स, डेफिनेटली वीडियोस आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहे होंगे, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लाइक करते हैं तो एनकरेजमेंट मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को। एंड इफ समवन इज़ वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज टाइमली एज आई अपलोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाफिजिकल पोइट्स इज अ क्रिटिकल एसे। द मेटाफिजिकल पोइट्स जो है ये क्रिटिकल एसे है। किसके द्वारा लिखा हुआ? टीएस इलियट के द्वारा। तो ये टीएस इलियट का लिखा हुआ मेटाफिजिकल पोइट्स एक क्रिटिकल एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाफिजिकल पोइट्स में टीएस इलियट ने अपना क्रिटिसिज्म दिया है मेटाफिजिकल एज के पोइट्स को लेकर के, जिनमें कि जॉन डन जो थे मेटाफिजिकल पोइट्स के लीडर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पोल्टर्स मेजर वॉज क्वाइंड बाई। ये जो टर्म था एलिजाबेथियन एरा में आया था पोल्टर्स मेजर, और पोल्टर्स मेजर ये टर्म को किसने क्वाइन किया था? सो द आंसर इज जॉर्ज गैस्क्वाइज ने।
जॉर्ज गैस्क्वेज ने फ्रेंड्स ये पोल्टर्स मेजर टर्म क्वाइन किया था एलिजाबेथेन एरा में। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है पोल्टर्स मेजर, जो पोल्ट्री फॉर्म में डजन, मतलब कोई अगर एग लेता था फर्स्ट टाइम तो वन डजन एग में 12, वी नो वेरी वेल कि डजन इट मीन्स 12, तो एक दर्जन जब एग लेता था तो 12 एग फर्स्ट टाइम में दिए जाते थे, बट अगर वो सेकेंड टाइम फिर से लेता था तो उसको 14 एग्स दिए जाते थे, तो इसी को पोल्टर्स मेजर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसनेट पिलग्रिम 1599 इज एन, सो द आंसर इज एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स कलेक्टेड बाय विलियम जेगार्ड। विलियम जेगार्ड के द्वारा कलेक्ट की गई और पब्लिश भी की गई थी फ्रेंड्स, जो ये पैसनेट पिलग्रिम 1599 में ये वर्क आया था, ये 20 पोएम्स का कलेक्शन था, और ये जो कलेक्शन था इसको विलियम जेगार्ड ने कलेक्ट किया था, पब्लिश किया था, और ऐसा कहा जाता कि ये पोएम्स लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम शेक्सपियर की पोएम्स थी जिनको कि विलियम जेगार्ड ने कलेक्ट किया और पब्लिश किया था 1599 में। ऑल दी वर्ड्स स्टेज एंड ऑल दी मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, बहुत ही फेमस लाइंस हैं ये, कोटेड फ्रॉम अ पेस्टोरल कॉमेडी। तो किस पेस्टोरल कॉमेडी से ये ली गई हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई ये लाइन है, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट की लाइन है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से एकदम रट लेना है इसको, कि एक्ट टू और सीन सेवन की लाइन है, एक्ट टू और सीन सेवन की लाइंस है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन से लगभग दो, एक ही क्वेश्चन से दो दो तीन तीन पॉइंट्स आपके क्लियर होते चल रहे हैं। नेक्स्ट है, विच रेवोल्यूशन इज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये हिस्टोरिकल, मतलब किस कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल सोर्स था कि अ टेल ऑफ टू सिटीज को, विच रेवोल्यूशन इज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस्ड होकर के चार्ल्स डिकेंस ने इस नॉवेल को लिखा था अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हैरिक वॉज एन इंग्लिश लिरिक। रॉबर्ट हैरिक कौन थे, तो रॉबर्ट हैरिक जो थे वो इंग्लिश लिरिक पोइट थे, इंग्लिश लिरिक पोइट थे रॉबर्ट हैरिक, और ही बिलोंग्स टू 17th century से संबंधित हैं थे रॉबर्ट हैरिक, और एक ये इंग्लिश लिरिक पोइट थे। वॉट इज द ज्यूड द ऑब्सक्योर, ज्यूड द ऑब्सक्योर क्या है, वी नो वेरी वेल ज्यूड द ऑब्सक्योर इज अ थॉमस हार्डीज नॉवेल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली फ्रेंड्स ये है कि ये थॉमस हार्डी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल था, ये लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल था ज्यूड द ऑब्सक्योर थॉमस हार्डी का। उसके कुछ ऐसे सीन्स थे कि जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था, इसको देखने के बाद लोग बहुत नर्वस थे, जिसके बाद थॉमस हार्डी ने नॉवेल राइटिंग स्टॉप कर दी। तो ये लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल था ज्यूड द ऑब्सक्योर थॉमस हार्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पब्लिश कब हुआ था, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1895, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1895 में ये पब्लिश हुआ था ज्यूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम बीड इज अ नॉवेल रिटन बाय, तो एडम बीड जो नॉवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, एडम बीड इज अ नॉवेल रिटन बाय जॉर्ज इलियट। एक्चुअली फ्रेंड्स जो जॉर्ज इलियट हैं ये इनका रियल नेम था मैरी एन इवांस, और शी वॉज फीमेल, वो जॉर्ज इलियट जो हैं, सॉरी जॉर्ज इलियट इज़ अ फीमेल नॉवलिस्ट, वो एक फीमेल नॉवलिस्ट थी, वॉज अ फीमेल नॉवलिस्ट, फीमेल नॉवलिस्ट थी 19th century की, और इनका जो ये नॉवल है एडम बीड ये 1859 में पब्लिश हुआ था, और इनका रियल नेम मैरी एन इवांस था, एंड शी वॉज वेल एजुकेटेड, बहुत वो वेल एजुकेटेड थी। और एक चीज़ और याद रखने की, एडम बीड मैरी एन इवांस जो थी ये जॉर्ज इलियट सूडोनियम से अपने बुक्स को, अपने नॉवेल्स को पब्लिश कराती थी, और ये इनका फर्स्ट नॉवेल था, एडम बीड मैरी एन इवांस का फर्स्ट नॉवेल था, और ये जॉर्ज इलियट सूडोनियम नेम से पब्लिश होते हुए थे उनके ये नॉवेल्स मैरी एन इवांस के, जॉर्ज इलियट के।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आइडल्स ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिशन्स डीप इंटरेस्ट इन. हम जानते हैं ये टेनिशन का इम्पोर्टेंट वर्क है आइडियल्स ऑफ किंग, तो ये किस चीज़ पर प्रकाश डालता है, द रोल ऑफ द किंग, इस पर टेनिशन का इंटरेस्ट बताता है. आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियोज़ आपको डेफिनेटली हेल्पफुल प्रूव होंगे. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो.